2022 की स्टार्टिंग से ही बिटकॉइन में सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी देखने को मिली है। बिटकॉइन का प्राइस लास्ट कुछ वीक से एक ट्रेंडिंग रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, जिसे आप चार्ट पर क्लियरली देख सकते हैं। इसी पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। फर्स्ट हम BTC का चार्ट एनालिसिस करेंगे एंड सेकेंड हम बात करेंगे क्रिप्टो से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज की। वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अर्ली मॉर्निंग में BTC के प्राइस में सडन राइज देखने को मिला, वो भी $2,000 के अराउंड का। बट जैसा कि आप चार्ट पर देख पा रहे हैं, BTC ने अपने इस मूव को पूरा करेक्ट भी कर लिया है नेक्स्ट 1 आवर में, और करंटली BTC का प्राइस ट्रेड कर रहा है $39,000 के अराउंड। शॉर्ट टर्म में देखे तो 37,000 के लेवल बिटकॉइन के लिए अब सपोर्ट का काम कर रहे हैं। BTC के चार्ट पर जो ट्रेंडिंग रेंज आप देख रहे हो, इस रेंज की अपर ट्रेंडिंग लाइन को BTC के लिए मेजर रेजिस्टेंस लेवल की तरह देख सकते हो, और लोअर लाइन सपोर्ट की तरह वर्क करती है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी को देखते हुए फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 24 के लेवल पर है, जो एक्सट्रीम फियर को शो कर रहा है, जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है एक ही रेंज में। इसके अलावा 100 डे मूविंग एवरेज भी BTC के लिए अब रेजिस्टेंस लेवल की तरह ही वर्क कर रहा है। BTC के चार्ट पर आप ये भी देख सकते हैं, बिटकॉइन का प्राइस डे बाय डे नैरो होता जा रहा है। अगर हम BTC का टाइम फ्रेम को शॉर्ट करके देखें तो जिस वोलेटिलिटी की बात मैंने की थी, वो इस टाइम फ्रेम में क्लियरली देख सकते हो। बियर्स एंड बुल्स के बीच चलते टसल को भी आप यहां देख सकते हो। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आप बिटकॉइन के प्राइस में डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को भी देख सकते हो बनते हुए। डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न एक बियरिश चार्ट पैटर्न है। इसमें आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिलती है, जो यहाँ $37,000 के अराउंड बनती देख रहे हो, और एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन होती है जो लोअर लोज को टच करती है। इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को आज मॉर्निंग में ही BTC ने ब्रेक कर दिया था, बट ये एक फेल्ड ब्रेकआउट रहा। बिटकॉइन इस ब्रेकआउट को होल्ड नहीं कर पाया है। बिटकॉइन पर डिसेंडिंग ट्रायंगल का बनना शो कर रहा है। जो ट्रेडर्स है वो BTC में शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं। ये एक बहुत ही पॉपुलर चार्ट पैटर्न है, जिसे ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें क्लियरली शो होता है डिमांड कैसी है किसी भी एसेट्स की मार्केट में। और अगर इस पैटर्न में जो सपोर्ट लाइन है वो ब्रेक होती है, तो ये क्लियर इंडिकेशन होगा इन्वेस्टर्स और ट्रेडर के लिए कि BTC में डाउनसाइड कंटिन्यू बनी रहने वाली है एंड सेलिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। हमें भी शॉर्ट टर्म में 37,000 के लेवल को फोकस करना है। अगर यहाँ से 37,000 के लेवल BTC में ब्रेक होते हैं विद हैवी वॉल्यूम, तो मार्केट में ज्यादा सेलिंग आप देखोगे इन शॉर्ट टाइम स्पैन। ये था दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट एनालिसिस एंड मार्केट अपडेट्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज की। फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट न्यूज है, बिटकॉइन टेकन ऑफ एक्सचेंज सेकंड बिगेस्ट डे ऑफ विड्रॉल्स इन 2 ईयर मेनली फ्रॉम कॉइनबेस। लास्ट 2 ईयर को देखे तो राइट नाउ सबसे ज्यादा बिटकॉइन सेल हुए है एक्सचेंजेस पर, मेनली कॉइनबेस एक्सचेंज से। आपको नहीं पता तो बता दूं, कॉइनबेस एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जो लिस्टेड है US स्टॉक मार्केट में भी। वैसे तो ये एक नेगेटिव न्यूज है मार्केट के लिए, बट बिटकॉइन के इस स्टैट्स का ज्यादा इंपैक्ट मार्केट में हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज है, पॉलीगन स्टूडियो एड्स सी सूट एंड VP लेवल टैलेंट फ्रॉम Amazon इलेक्ट्रॉनिक्स आर्ट्स एंड सैंके मीडिया। पॉलीगन नेटवर्क ने 6 एग्जीक्यूटिव को हायर किया है, वो भी वर्ल्ड की प्रोमिनेंट टेक एंड गेमिंग कंपनी से लाइक Amazon इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स एंड राइट गेम्स। ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है पॉलीगन इन्वेस्टर्स के लिए और पॉलीगन के फ्यूचर के लिए भी। नेक्स्ट न्यूज है, NFTs आर कमिंग टू Instagram सेज मार्क जुकरबर्ग। द मेटा CEO कन्फर्म एंड SXSW rumors that Instagram will get into the NFT game। जैसा कि हमने अपनी लास्ट कई वीडियोस में बात की है, मैनी बिग टेक कंपनीज मेटा एंड NFTs में इन्वेस्ट करने जा रही है, और इसमें सबसे आगे है मेटा। अब मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने खुद कहा है कि इंस्टा NFT गेमिंग स्पेस में एंटर करने वाला है। ये NFT स्पेस के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज है, अमेरिकन एक्सप्रेस फाइल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर मेटावर्स एंड NFT लोगोस। अमेरिकन एक्सप्रेस, जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पेमेंट प्रोसेस कंपनी है, उन्होंने 7 ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल की है, जिनका लिंक वर्चुअल स्पेस से है, जो इंडिकेट कर रहा है MX NFT क्रिप्टो करेंसी सर्विस, वर्चुअल बैंक एंड एक्सचेंज सर्विसेज में एंटर करने के लिए रेडी है। लास्ट कुछ टाइम से JP Morgan, वीजा एंड मास्टर कार्ड जैसी कंपनीज भी Web3 को एक्सप्लोर कर रही है, जिसको देखते हुए MX भी इसमें एंटर कर रहा है। ये न्यूज शो कर रही है Web3 एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री के ग्रोइंग फ्यूचर को। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज है, एलन मस्क वॉन्ट सेल हिज बिटकॉइन इथेरियम डोजकॉइन। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने एक ट्विटर डिस्कशन में कमेंट किया है कि वो
बिटकॉइन, इथेरियम एंड डोजकॉइन को सेल नहीं करने वाले हैं। जो इंडिकेट कर रहा है वो बिलीव करते हैं क्रिप्टो के बेटर फ्यूचर में। जैसा कि हम जानते हैं, एलन मस्क क्रिप्टो से रिलेटेड ट्वीट करते रहते हैं। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।